विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष में हर तरफ पर्यावरण संरक्षण की बात की जा रही है, लेकिन कोरोना संक्रमण के बीच जारी लॉकडाउन में तस्वीरें कुछ और ही निकलकर सामने आ रही हैं। सरकारी शिक्षण संस्थाओं में जहां पर्यावरण का पाठ पढ़ाया जाता है, वहीं लॉकडाउन के चलते पौधे वीरान नजर आ रहे हैं। दो महीने से अधिक समय तक पेड़ पौधों को पानी नहीं मिलने के चलते स्कूलों में लगाए गए पेड़ पौधे सूख गए हैं। ऐसा ही मामला जयपुर के गांधीनगर स्थित पोदार स्कूल का है, जहाँ शिक्षा मंत्री की ओर से लगाया गया पौधा भी सूख गया, जिनकी ना तो संस्था प्रधान ने सुध ली और ना ही शिक्षा विभाग ने। पांच जून को आज विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन इस पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में हर कोई पर्यावरण संरक्षण की बात करता है, लेकिन कोरोना संक्रमण के महामारी के बीच इस पर्यावरण के जो संरक्षण की बात है वो कहीं ना कहीं जो दूर जाती हुई नजर दिखाई दी। जिस तरह से हम तस्वीरें दिखाना चाह रहे हैं कि जो एक स्कूल प्रांगण की जो ये तस्वीरें हैं वो हम दिखाना चाहेंगे, जहाँ बात करें तो लॉकडाउन के दौरान जो पर्यावरण संरक्षण का जहाँ यहाँ पाठ पढ़ाया जाता था, और उसी में जिस तरह से दो महीने के यहाँ पर जो अधिकांश पौधे हैं वो सूख चुके हैं। जिस तरह से जो ये आप देख सकते हो कि जो ये ग्राउंड है जहाँ पर दो महीने पहले ये हरा भरा नजर आता था, लेकिन जो पर्यावरण संरक्षण की बात करें अपन लॉकडाउन के बीच में, तो कहीं ना कहीं लॉकडाउन में इन पौधों को पानी नहीं मिलने के चलते यह सूखते नजर आ रहे हैं। जिस तरह से आज बाद जो पौधों की बात करें तो यहाँ पर इस स्कूल प्रांगण में शिक्षा मंत्री के द्वारा भी जो पौधे हैं वो यहाँ पर लगाए गए थे, जो अभी पूरी तरह से सूख चुके हैं। हमारे साथ स्कूल के जो शिक्षक है वो हमारे साथ मौजूद है। सर, किस तरह से नजारा यहाँ पर दो महीने पहले का था और आज देखा जाए तो बिल्कुल बदल चुका है? जी बिल्कुल, विगत दो सालों से लगातार शिक्षक शिक्षार्थी और उनके जो अभिभावक हैं, यहाँ तक कि उनके द्वारा भी यहाँ अलग अलग आयोजनों पर पेड़ लगाए गए। 300 लगभग वृक्ष यहाँ पर बड़े लाला करके रोपित किए गए, उनकी देखरेख की गई और बिल्कुल हरा भरा लहराता हुआ ये प्रांगण था। लेकिन बहुत ही खेदजनक है कि 21 मार्च के बाद लगातार जो है विद्यालय बंद है। किसी भी प्रकार की सुनवाई विद्यालय प्रशासन द्वारा और सरकारी स्तर पर सरकार के ऑफिसर्स द्वारा या अधिकारियों द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया गया, और उसका परिणाम ये हुआ कि आज आधे से ज्यादा पौधे बिल्कुल सूख चुके हैं और जो बचे हैं वो भी अपना दम तोड़ रहे हैं। पानी देने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, ना किसी की ड्यूटी लगाई गई है। हमने इस बारे में मांग न केवल संस्था प्रधान से बल्कि उच्चाधिकारियों से, शिक्षा मंत्री महोदय से भी हमने संगठन स्तर पर ये मांग की थी कि राजस्थान भर में इस तरह विद्यालय और कार्यालयों में जो क्षति होगी, निश्चित रूप से बड़ी क्षति कही जा सकती है। तो जिस तरह से इन्होंने बताया कि लॉकडाउन पीरियड के दौरान पर्यावरण संरक्षण की ओर बात करें तो पेड़ पौधों की ओर ध्यान नहीं देने के चलते जो क्षति यह हुई है कि अधिकांश जो स्कूल संस्थान थे जहाँ पर इस तरह के जो पौधे लगाए गए थे वो लगभग सूख चुके हैं। इस तरह से जो देखा जाए तो यह जो सरकार की ओर से या फिर बात करें तो स्कूल जो संस्थान है या फिर उनके जो संरक्षक है उनकी ओर से ध्यान नहीं देने के चलते ही आज इस तरह का जो हालात है वो बनते नजर आ रहे हैं। जयपुर से कैमरामैन निमिष पांचाल के साथ मैं लोकेश ओला A1 TV।